खरगोन के औद्योगिक इलाके के सतराटी स्थित तत्कालीन सेंचुरी मिल के विरुद्ध श्रमिक जनता संघ द्वारा इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका लगाई थी, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा 13 सितंबर को सुनवाई के बाद निरस्त कर दी गई। जो कि जारी आदेश में स्पष्ट है, श्रमिक जनता संघ के द्वारा पहली बेंच में लगी याचिका भी निरस्त हो गई थी। ऐसे में अब मंजीत ग्लोबल द्वारा खरीदी सेंचुरी फैक्ट्री संचालन के रास्ते भी साफ हो गए हैं। बता दें कि सेंचुरी मिल लंबे समय से बंद थी। श्रमिक जनता संघ के द्वारा मजदूरों को बरगलाने के चलते मिल प्रबंधन मिल बेचने को मजबूर हुए। श्रमिक जनता संघ के द्वारा मजदूरों की हड़ताल और मांगों के विवादों के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां श्रमिक जनता संघ को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। सेंचुरी मिल प्रबंधन ने औद्योगिक नीति अनुसार मजदूरों और स्टाफ को स्वैच्छिक VRS देकर मिल मंजीत ग्लोबल कंपनी को बेच दी थी। इस दौरान श्रमिक जनता संघ के आंदोलन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर स्वैच्छिक VRS से वंचित रह गए। अब मंजीत ग्लोबल कंपनी ने मिल शुरू कर क्षेत्र में नए रोजगार देने शुरू किए हैं, वहीं अब क्षेत्र के व्यापार व्यवसाय को भी लाभ मिलने लगा है। कसरावस से अखिल खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।